आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति फेज 5 के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले आज व्यवसाय प्रशासन विभाग में मिशन शक्ति के कार्यक्रम के तहत एक वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसपे मैडम डॉक्टर तेजस्विनी जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और एक ज्वलंत समस्या जो महिलाओं में पाई जाती है, जो सबसे अधिक पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक उनको कठिनाई होती है, कि कैसे वो तालमेल बिठाएं घर और अपने कार्यस्थल में। जो उनका टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वर्क प्लेस और अपने घर को किस तरह से मैनेजमेंट के तहत अच्छे से उसको सुचारू रूप से चला सकें, इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया है। और आज के बाद से प्रतिदिन हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में और इससे संबंधित जितने भी स्ववित्त पोषित कार्यक्रम हैं, सभी में रोज मिशन शक्ति के उस पर 2 से 3 जितने भी कार्यक्रम संभव हो सकते हैं रोज। मैम एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ जी पूछिए। एक महिला ही सास है, एक महिला बहू है, एक महिला ही बेटी है, बहन भी है, फिर भी औरतों की समस्याएं जस की तस क्यों है? ये चीज तो पुरुषों के साथ भी होती है ना, वो भी सबके रिश्तेदार कहीं ना कहीं से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में होते हैं, लेकिन पुरुषों में भी समस्याएं। एक बहू बेटी बनना नहीं चाहती, बेटी बहू बनना नहीं चाहती है, जो नैसर्गिक रूप से जिस रोल सास माँ नहीं बनना जाती, माँ सास नहीं बनना जाती, समझ रहे हैं? नैसर्गिक रूप से जो माँ का संबंध बच्चे से होगा, दुनिया की कोई भी हस्ती, कोई भी रिश्ता उसको बदल नहीं सकता, कोई दूसरा व्यक्ति माँ के रोल में नहीं आ सकता। इसी तरह से पिता के बारे में, या आप बहन और बेटी के, बहन और बहू को ही आप वो करिए, बेटी और बहू को कभी भी दोनों एक नहीं हो सकते। हर रिश्ते बने प्राकृतिक है, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि माँ और बेटी का जो रिश्ता है सेम बहू और सास का हो? रोल अलग है ना, हम बेटी के रोल में हैं तो हमारा डिफरेंट रोल है, हम और बहू का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक किरदार दूसरे किरदार में कोई अंतर ही ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैम एकता कपूर जो नाटक आ रहे हैं परिवारों में, कुछ जहर भी घोल रहे, कुछ मिठाई घोल रहे, क्या बोलेंगे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी सौतन, कभी सहेली, ये कुछ लोग कहते हैं बड़े खतरनाक नाटक है, समाज में विष घोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जितने सीरियल्स होते हैं या जो भी सिनेमा में दिखाया जाता है वो हमारे जीवन का ही तो मतलब जो एकता कपूर जो नाटक दिखाते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी सौतन कभी सहेली, चाहे हाँ, कोई सिनेमा या गोपी बहू हो गया, वो अतिशयोक्ति हर जगह होती है। और जब तक वो इस तरह का न दिखाएंगे तो उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन कहीं हद तक वो हमारे जीवन को ही दर्शाते हैं, थोड़ी अतिशयोक्ति होती है। और ऐसा विष नहीं घोल रहे हैं उससे, ये डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है उस सीरियल को देखने का, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को लेना, उनकी जो बुराइयां, जो विष घोल रहे हैं, आप सतर्क हो जाएं, इसको आप इस नज़रिए से भी देखें। कुछ महिलाएँ तो पानी नहीं पा सकते, तो पुरुष महिला से पानी लेने के लिए क्यों उम्मीद कर रहा है, खुद उठ के पी ले? नहीं कहते हैं जब माँ सम्मान जाए, माँ बहन से पहुँच जाती, सबका में जब बत्ती जाग में जीप की तरह हाल हो जाता है। नहीं नहीं ये सब गलत बात है, किसी को अगर सीरियल देखते समय कोई काम कर रहा है, कोई सीरियल देख रहा है अपना, तो अगर किसी पुरुष को या बच्चों को पानी की आवश्यकता है वो स्वयं उठ के ले सकते हैं। ठीक।